दोस्तों, एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो पास में हुए इवेंट्स को, पास में हुए प्राइस मूव को टेक्निकली भी याद रखता हो, माइंड में भी याद रखता हो। समटाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो माइंड से निकल जाती हैं, तो चार्ट इसलिए बने होते हैं कि वो हमें हिस्ट्री दिखाते हैं कि पास में ऐसा हुआ था। 60 से 70% चांसेस ऐसे हैं कि करंट सिचुएशन में या फ्यूचर में दोबारा ऐसा हो सकता है, और 60 से 70% ऐसा होता भी है। उसकी रीज़न ये है कि ना सिर्फ एक बंदा वो चार्ट देख रहा था, बल्कि लाखों करोड़ों लोग वो उस टाइम पे चार्ट देख रहे होते हैं, तो उस बिना पर मार्केट के सेंटिमेंट्स सेट होते हैं। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, इस वीडियो में यही बातें आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में सीखने के लिए आपको के लिए बहुत कुछ है। आपको बिटकॉइन का हर मूव एडवांस में तो पता चल जाएगा कि फ्यूचर में 2-3 मंथ में क्या हो सकता है, ठीक है? क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म में भी बात करने वाला हूँ, शॉर्ट टर्म में भी बात करने वाला हूँ, आपको ये तो पता चल जाएगा। साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि सिचुएशन को कैसे एनालाइज किया जाता है। वीडियो थोड़ी सी परहैप्स लंबी हो सकती है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। इसके बाद मैं दूसरी बात जो करना चाहूंगा वो करना चाहूंगा इस वीडियो की, बिटकॉइन नेक्स्ट लेवल 14,500 और $7,000। इस वीडियो को जैसे ही मैंने बनाया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको ये बताया गया कि बिटकॉइन शायद 7,000 को टच कर सकता है फ्यूचर में, या अगर 14,500 से ऊपर गया तो फिर 20,000 के लिए आप सीट बेल्ट बांध सकते हो। इसमें ये बात किया गया, जैसे ही मैंने 7,000 का नाम लिया, बड़े ही हेटेड स्पीचेस आई, कमेंट्स आए, डिसलाइक आए, नेगेटिव रिएक्शन आया। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि भाई सारा कुछ ठीक है, मॉर्निंग न्यूज़ की तरह सारे हालात ठीक हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, परिंदे चहचहा रहे हैं, जंगलों में पानी आबशारे बह रही हैं, तो फिर दैट्स इट, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आपको रियलिटी बताई जाती है कि ऐसा पॉसिबल है और वो थोड़ी सी नेगेटिव भी हो सकती है, तो उसमें रिएक्शन आना जो है वो आई थिंक सो ये भी कुछ मुनासिब नहीं लगता है। आपको हमेशा रियलिटी के साथ साथ चलना पड़ता है। हम हमेशा इस माइंड सेटअप के साथ आते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी में आएंगे और हमें 100x हो जाएगा, 200x हो जाएगा, डबल मनी कर लेंगे, 10 गुना कर लेंगे, 20 गुना कर लेंगे। अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आते हैं, ठीक है? अगर 7,000 पे ये टच होता है, ऑब्वियसली फ्यूचर में आपको इसके बारे में, अगर आपको आज इसके बारे में पता है, फ्यूचर में अगर ऐसे होने के चांसेस 1%, 2%, 10% भी हैं, तो आप उसकी आज से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर पॉजिटिव सेंस में बात की जाए, आज से हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में मजीद लॉसेस से भी जा सके और हमें और ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। जस्ट इमेजिन, अगर आपके पास $10,000 हैं और आप उसको आज इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, और मार्केट जो है आज का रेट 11,500 है, मार्केट एक मंथ या 2 मंथ के बाद 7,000 पे चले जाए, तो क्या आपको बिटकॉइन ज़्यादा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। अगर यही 2-3 हज़ार में 14,500 ऊपर चला गया, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आपको फिर पता चल जाएगा शायद फिर अब ये 20,000 या 17,000 पे टच होने वाले, तो मुझे पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा बाई कर लेना चाहिए, या फिर जैसे आजकल मार्केट में चल रहा है बिटकॉइन में बने रहना, या मुझे USDT में बने रहना, या ओल्ड कॉइन में बने रहना। अगर आपको फ्यूचर में ऑलरेडी सारा कुछ बताया जा रहा है कि ऐसी पॉसिबल है, तो ऑब्वियसली उससे आपको फायदा उठाना चाहिए। ये नहीं कि मैंने बैड न्यूज़ सुना दी, मैंने थोड़ा सा ये कर दिया, डरा दिया, और बस जी वीडियो को डिसलाइक करना शुरू कर दो, नेगेटिव कमेंट करना शुरू कर दो, अब्यूज़ करना शुरू कर दो। उसमें आप लोगों का कोई भी, मेरा ख्याल, फायदा नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो मैं हमेशा चार्ट्स को देख के बात किया करता हूँ। आज चार्ट में आपको टेक्निकली वही चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपको पता चले स्टेप बाय स्टेप आपने कौन से स्टेप्स लेने हैं, राइट? तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर इन होना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं, फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी देखें जो करंट सिचुएशन है वो है 11,672 डॉलर अभी करंट प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का। अगर मैं इसको इस चार्ट को मैं ओपन करने से पहले आपको बिटकॉइन डोमिनेंस पे लेके जाता हूँ। बिटकॉइन डोमिनेंस इस टाइम पे क्या है, ये वैसे चार्ट मैंने खोला है बिटकॉइन डोमिनेंस का, आपको रफली मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं कौन सा आइडिया आपको प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। अभी जो करंट सिचुएशन है, थोड़ा सा मूव करने में प्रॉब्लम होती है। ये देखिएगा, आज या कल का अगर हम एस्टिमेटर लगाया जाए कि जी 60
65% जो है वो अप्रोक्सीमेट 66 भी हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे होगे, 64 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है। 65% जी 11 जुलाई को, आज 11 जुलाई है, 65% बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर आप यहाँ पे देखें, 65% बिटकॉइन की डोमिनेंस है, राइट। अगर 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 आप यहाँ पे देखो, जिस एज की मैं दौर की मैं बात करने वाला हूँ वो 2016 है, उसमें जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो है 87%। ज्यादा दूर नहीं है, आप में से बहुत सारे जो लिजनर हैं उन्होंने 87% को फेस किया हुआ है। अभी कितनी है? 64 है, एक मंथ पहले 42% थी, राइट। तो अभी 87% पे जिन्होंने फेस किया हुआ है, नो डाउट आपको उस वक्त ज्यादा इलम नहीं था कि करना क्या है, या सिचुएशन समटाइम हमारे जहन से भी भूल जाती है। डोंट वरी, मैं बैठा हूँ आपको लोगों को याद करवाने के लिए कि पास्ट में क्या क्या हुआ था। मैं हमेशा पास्ट को लेके चलता हूँ, प्रेजेंट में फ्यूचर की स्ट्रेटजीज बनाता हूँ, ठीक है। इसी वजह से आपको जो प्रोडिक्शंस हैं या आपको टेक्निकल एनालिसिस में रिजल्ट भी दिखते हैं। 87% को मैंने, बल्कि मोर देन 90% भी यहाँ पे गया था, मैंने फेस किया हुआ है, मैंने फेस किया। आपने अगर फेस किया तो आप मुझे बता सकते हो कि इस दौर में आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, ठीक है। 87 अगर आप लगाएं, 87 के राउंड वर्ड देखा हुआ, तो मीन के इससे भी ज्यादा वर्स कंडीशन थी ओल्ड कॉइन्स की। उस वक्त क्या हुआ था आप लोगों को अगर नहीं पता है, वही बातें मैं आपको टेलीग्राम पे बताता हूँ कि ऐसा ऐसा हो सकता है। मार्केट ने फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो 16 जून को थी 38%, उसके बाद बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आई, राइट। फिर 61% दोबारा गई है 4 नवंबर 2017 को। उसके बाद जो आपने एकदम से डिक्लाइन देखा इसमें, तो आपको लगा बुल रन आ गया, और वाकई वो बुल रन था, 32% पे गया, ठीक। और बिटकॉइन की डोमिनेंस, और इसके बाद 13 जनवरी को अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं कि पीक टाइम था जब बुल रन था मार्केट में, बिटकॉइन भी ऑल टाइम हाई को टच कर रहा था। 2017 का लास्ट था और 18 का शुरू था, तो ऐसा ये चला, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ पास्ट में क्या हुआ। अभी चलते हैं चार्ट पर ताकि आप सारे कनेक्ट हो जाएं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और आपको भी पता चले कि फ्यूचर में स्टेप हमें क्या लेना है अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए भी, और नुकसान से बचने के लिए भी, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए भी, ठीक है। ये वन डे का चार्ट है और मैं जाऊंगा 2018 के शुरू में। ये देखिएगा, ये वाला अगर पॉइंट है, वैसे ये अभी ये इसकी तरह मैं बाद में आता हूँ। जो करंट सिचुएशन है, करंट प्राइस 11,684 है, राइट। अभी देखिए, थोड़ा सा मैं इसको वाइड करता हूँ, मैंने पहले से कोई टेक टीए नहीं किया ताकि आप लोगों को समझ ना आ सके, मैंने अभी दोबारा सारा कुछ कर रहा हूँ, और सिंपल इज दैट, कोई मुश्किल नहीं है, ताकि आप भाइयों को समझ आ सके कि पहले पास्ट में हुआ क्या था। आसान है, प्लेन है वीडियो, मेरी वीडियो कॉम्प्लिकेट नहीं होती, सिर्फ थोड़ा सा आपको गौर करने की जरूरत है कि मैं क्या आइडिया प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये देखिएगा, अब यहाँ पे अगर आइए आओगे 11,854 प्राइस से किस डेट को, मैं यहाँ पे लाइन भी खींच देता हूँ वर्टिकल में, वर्टिकल लाइन में ये देखिएगा, ये अगर आप टच देखोगे, पहले 12,746 जहां से प्राइस ने करेक्शन लेना शुरू किया बिटकॉइन की, राइट। वो थी 21 जनवरी 2018 को करेक्शन, अगर मैं पीछे से करेक्शन भी ले सकता हूँ 20,000 पर, लेकिन वो थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट बनने शुरू हुए हैं प्रेजेंट में, तो इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। 12,000 याद है, ये देखिए 12,776 से मार्केट नीचे आया, और ये जो पॉइंट है ना, मैं दोबारा यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा, मार्केट इस दिन पे था 29 जनवरी 2018 को यहाँ पे था, सही। इसको अगर मैं ग्रीन लाइन में कर दूँ ज्यादा विजिबल हो जाएगा ताकि हम सारे देख पाए, ये देखिएगा, और थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं, राइट। 29 जनवरी 29 जनवरी 2018 को प्राइस थी, कितनी प्राइस थी ये देखिएगा, यहाँ पे 12,000, ठीक है, $12,000। उसके बाद मार्केट ने डिप लिया था यहाँ से, अगर आप देख सकते हो 6,000 पे, लेकिन दोबारा से रिकवर हुई और अगेन मार्केट सेम प्राइस पर अप्रोक्सीमेटली 11,736 पे रेसिस्ट किया। पहला रेसिस्ट यहाँ पे किया 29 जनवरी को, दूसरा रेसिस्ट किया आपको 20 फरवरी को 2018 को, मैं यहाँ पे भी खेच रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे मैं खेच रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा रेसिस्ट किया दूसरी दफा
तीसरी दफा जो रेसिस्ट किया वो था ये देखिए, अगर आप यहाँ पे मेरा पिक्सल देख पा रहे हो, यहाँ पे 5 जनवरी 2018 को, मीन 3 मंथ में मार्केट यहाँ पे नीचे डिप लेके ऊपर रिकवर होके 11,700 से 12,000 के बिटवीन में रेसिस्ट करता रहा। उसके बाद मार्केट नीचे 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 डिप गया, और ये आपने इसको देखा होगा, बल्कि आपको पता भी होगा, चंद माह पहले बिटकॉइन $3,000 पर था। ठीक है, यहाँ पे मैं खींचता हूँ लाइन $3,000 की, ये है $3,000 पे, ये है हिस्ट्री। 3 दफा मार्केट यहाँ पे रेसिस्ट किया, नहीं जा सका। बहुत सारे लोगों का अब मार्केट में ये ख्याल था कि यहाँ से बिटकॉइन दोबारा से $25,000 पे जाएगा, रेसिस्ट कर रहा है, जिस दिन इसको तोड़ दिया मार्केट 20,000 से ऊपर जाके 25,000, 35,000, 5,000 की प्रेडिक्शन आपको मिली थी, नहीं यकीन आता। यूट्यूब की पुरानी वीडियोस इस डेट के अंदर जो जो आई हैं वो देख लें, गोरों की देख लें, अपने लोगों की देख लें, आपको यही बातें नजर आएंगी। YouTube के कमेंट्स देख लें, इसके बाद YouTube की न्यूज देख लें, Google की न्यूज देख लें, हर तरफ मार्केट में सेंटिमेंट थे 25,000 से 35,000 के। कोई भी नहीं कह सकता था कि यहाँ से मार्केट 3,000 पर जाएगी। अगर किसी ने कहा कि ये बबल बस्ट होने वाला ये है, उसको एक्सट्रीम नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा, जैसे कि कल वाली परसों वाली वीडियो में मुझे करना पड़ा, कि मैंने आप लोगों को रियलिटी बताने की कोशिश की। अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की हुई थी, यहाँ पे आके वो तो बेचारे बर्बाद हो गए, उनके पास कोई पोर्टफोलियो रहा नहीं, जीरो पे आ गया पोर्टफोलियो। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया होता कि ऐसा हो सकता है, तो प्रिटी मच चांसेस है आप थोड़े से फंड्स जो आप सेव करना चाह रहे थे इसमें, वो इस पॉइंट पे आके, या 7,000 पे आके, 6,000 पे आके, 3,000 पे आके, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे बाय करते, तो आज सिचुएशन डिफरेंट होती। ठीक, अभी चलते हैं हम करंट सिचुएशन पर, कि करंट में क्या हो रहा है, जिसके बिना पे आपको ये सारा बताया गया था वीडियो में। आपको साथ साथ में फायदा भी होगा कि कैसे चार्ट को एनालाइज किया जाता है पास्ट हिस्ट्री को देखकर। सही, एक बंदे ने तो मुझे ये कह दिया कि अगर आपको पहले से पता था तो आपने हमें क्यों नहीं बताया। पहली बात तो ये कि आपकी तरफ से नेगेटिव रिएक्शन बहुत आता है, अगर आपको बता दें, स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ ताकि फेल भी ना हो, आप लोग पैनिक भी ना हो, लेकिन अगर आपको एकदम से बता दिया जाए, आप परेशान हो जाते हो और फिर नेगेटिव कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, राइट? तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है जैसे ही मार्केट क्रैश हो मैं ज़्यादा एक्टिव हो जाता हूँ, एकदम से मैं कोई भी फंड क्रिएट नहीं करता कि ऐसा हो सकता है। और इस वीडियो का पर्पज़ ये भी नहीं है कि ये 7,000 पे ही जाएगा, मैं आपको दोनों सिनेरियो बताऊंगा अगर वीडियो खत्म नहीं हुए। लास्ट वाले तो 3-4 मिनट हैं, उसमें काफी ज्यादा रिच नॉलेज है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको लास्ट तक देखना चाहिए ये वाला। इसके बाद जनाब अभी जो करंट सिचुएशन है वो है कि बिटकॉइन ने 14,000 पे, ये देखिएगा यहाँ पे जाके 13,938 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे रेसिस्ट किया था। मैं यहाँ ऐसे करता हूँ ताकि सारा कुछ क्लियर हो जाए, राइट? इसके बाद मार्केट ने डंप लिया, ये डे की कैंडल है, कैंडल एक डे में बनी हुई है। इसके बाद जी मार्केट डिप हुआ, ये देखें 9,688, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ काफी दिनों से कि 9,700 पे अगर गया तो ऑब्वियसली आप निकल सकते हो ओल्ड कॉइन से, या फिर आप बने रह सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आपको हर मूव, पॉसिबल मूव बताया जाता है कि ऐसा हो सकता है। इसके बाद मार्केट ने अगेन सेकंड टाइम पे देखें 12,000 पे जाके ये देखें 13,000 पे अगेन रिसिस्ट किया, वैसे ही सिचुएशन जैसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डाउन आ रहा था, और एक पॉइंट पे जाके मार्केट बार बार रिसिस्ट ले रहा था, राइट? इसी तरह ये स्टेप डाउन हुआ, एक 14,000 से 13,000, अभी जो करंट है 11,500। अगर मैं इसको 1 आवर का चार्ट कर लूँ तो आपको बहुत सारे रेसिस्टेंट मिलेंगे 11,500 से लेके 12,500 के बिटवीन में, और उससे भी ज्यादा रेसिस्टेंट मिलेंगे 10,500 लेके 12,500 में, राइट? लेकिन आपको बताना कुछ और है इसमें हिस्ट्री को लेके। अभी सेम सिचुएशन जो यहाँ पे हो रही थी वो यहाँ पे भी हो रही है। अगर सपोज करो कि अगर हिस्ट्री यहाँ से वैसे ही नीचे चलती है, अगर वैसा ही जैसे बिटकॉइन में अभी हो रहा है ऐसा चलता है, जो कि फेयरली चांसेस है कि माइट बी पॉसिबल, अगर ऐसा होता है, अगर नहीं भी होता वेल एंड गुड, अगर होता है तो हमें क्या करना है? टेक्निकल एनालिसिस तो हमें यही बताते हैं कि क्या फ्यूचर के लिए हमें स्पेयर बीटीसी रखने हैं, स्पेयर फंड्स हमें रखने हैं, क्या करना है हमें, राइट? तो
यहाँ से अगर आप डे 1 आवर का चार्ट खोलो, आपको स्पॉट एंड सिस्टम बहुत सारे मिलेंगे। नहीं मिलते तो ऑब्वियसली आप खुद से भी अंदाजा लगा सकते हो कि बाइनेंस के ऊपर ओपनिंग क्लोज 24 आवर का क्या हुआ था, हाई क्या था, लो क्या था। आपको बार बार वही प्राइसेस मिलेंगी, 11,500, 12,500, 10,500, 10,000, 10,200, 300, 400, ऐसा ही मिलेगा। सेम सिचुएशन ऐसे कि जहाँ जैसे यहाँ पे बेरिश जोन था, अभी भी वैसा बेरिश जोन आ रहा है। अगर ये 14,500 जो मैंने आपको बताया हुआ है, सेम इसी वीडियो में जो आपको वीडियो का थंबनेल मैंने दिखाया लेटेस्ट वीडियो में, तो ऑब्वियसली 20,000 के लिए अपनी सीट बेल्ट बांध ले, 17,500 या 18,500 जो के वीक रेसिस्टेंट लेवल है लेकिन तोड़ देगा आसानी से, 20,000 तक जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट अगर ये नीचे जाएगा, और ये भी इस वीडियो को ना कंसीडर कीजिएगा कि मैं बता रहा हूँ जी 7,000 तक जाएगा, एब्सोल्युटली नॉट। हो सकता है ऑपोजिट हो, यहाँ से ऊपर चला जाए, 20,000 तक चला जाए, लेकिन यहाँ से अगर करेक्शन होती है, जो कि यहाँ 3 मंथ में मार्केट ऐसा ही रहा था, तो क्या 2 मंथ में मार्केट ऐसा नहीं है, एक साल एक साइडवेज में चल रही है बिटकॉइन की, 3 से 4 हज़ार डॉलर के बिटवीन में मार्केट फ्लक्चुएट हो रही है, जैसे यहाँ पे हो रही थी वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। अगर ऐसा ही होता है तो ऑब्वियसली पहला जो ये वाली अगर आप लाइन देख रहे हो 7,298 जो मैंने आपको कहा था, ऑब्वियसली एग्जैक्ट तो नहीं फिगर लिखी जा सकती, जब आप राउंड फिगर में बात करें तो मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि 7,000 में मार्केट आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट यहाँ पे मैंने आपको कहा था शायद आप 7,000 तक देख सकते हो। इसको मैंने ये नहीं कहा कि 3,000 तक देख सकते हो, हिस्ट्री बिल्कुल 100% वैसे जाएगी, हमेशा हिस्ट्री में थोड़े से चेंजेस होते हैं, मैं मानता हूँ 100% वैसा ही नहीं होता जैसे पास्ट में हुआ होता है, फ्यूचर में डिफरेंट होता है, लेकिन टू सम एक्सटेंट मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, राइट। तो अभी मार्केट अगर नीचे जाता है, जो कि 1 वीक में भी हो सकता है, 2 वीक्स में भी हो सकता है, 1 मंथ भी लग सकता है, तो यहाँ पे 7,000 पे जाके रीटेस्ट कर सकता है, जो कि मैं लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म एनालिसिस में ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मार्केट वही है 10,500 से ऊपर तक जब तक रहती है, बिटकॉइन बिटकॉइन बुलिश रहेगा, ओल्ड कॉइन तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा क्रैश है, उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। और इसके बाद अगर 10,500 से नीचे अगर गया, 9,700 को टेस्ट था, तो बिटकॉइन से आई विल एडवाइस यू के आप निकल जाइएगा उस वक्त जब ये सिचुएशन हो रही होगी। मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, या न्यू वीडियो आ जाएगी या क्या होगा, या अगर 14,500 से ऊपर जाती है सिचुएशन क्या होगी नेक्स्ट सिचुएशन, उसकी भी न्यू वीडियो आ जाएगी, बशर्ते जिंदगी टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल के मुझे ये लगता है कि शायद ये 7,000 के करीब से होके आएगा, या फिर एटलीस्ट ये 8,000 के डॉलर के करीब तो आ जाना चाहिए, जिसको देख के आप काफी ज्यादा पैनिक भी हो गए, परेशान भी हो गए, क्योंकि हम सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते। हम जो बताया जाता है, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कोई आए बंदा आपको यही बताया जाए कि आज 14,000 है, कल 15,000 है, 16,000 है, 18,000 है, 20,000 है, 25, नीचे वाली लेवल्स की वो बात ही ना करे, ऐसा नहीं होता है, और मैं ऐसा कभी करूंगा भी नहीं। और मैंने जो भी बताता हूँ उसको ना तो मैंने कभी टेलीग्राम चैनल पर डिलीट किया, ना मैंने कभी यूट्यूब पर डिलीट किया, मेरी सारी हिस्ट्री आप देख सकते हो कि कैसे मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है, आपको साथ साथ में बताया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ लगती है या कुछ भी है, दिस इज योर फॉल्ट नॉट मी, सही। अभी देखें कि अगर ये 7,000 पे जाता है उस वक्त, मुझे ये लग रहा है, पहले तो ये होता है कि बिटकॉइन ऊपर जाता है तो ओल्ड कॉइन भी साथ साथ में उसको फॉलो करते जा रहा है, इस दफा उलट हो रहा है, तो अगर उलट हो रहा है तो बिटकॉइन को क्रैश होना आई थिंक सो बेटर है, ताकि जो डोमिनेंस है फिलहाल के लिए कम हो, जो कि मैंने आपको अभी पहले डोमिनेंस का चार्ट भी दिखाया, ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो अभी जब उलट सिचुएशन है, पहले तो बिटकॉइन को साथ फॉलो कर रहे थे ना ओल्ड कॉइन, अभी बिटकॉइन को के साथ ओल्ड कॉइन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर बिटकॉइन क्रैश होगा तो ओल्ड कॉइन रिकवर होंगे, बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो ओल्ड कॉइन क्रैश होंगे, तो इसलिए हमारे लिए आइडियल जो सिचुएशन है, बिटकॉइन को थोड़ा सा करेक्शन लेना चाहिए, 1-2 मंथ साइडवेज में चलना चाहिए, तो अब ओल्ड कॉइन में जो है वो रिकवरी भी होगी और प्रॉफिट भी होगा। ओल्ड कॉइन जीरो बिल्कुल नहीं होंगे, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, कल भी वॉइस मैसेज डाला था कि क्या ओल्ड कॉइन जीरो हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। जब 80% पे गई थी ना डोमिनेंस, उस वक्त के दौर में बहुत सारे ओल्ड कॉइन थे वो ऑलमोस्ट जीरो के करीब पहुंच चुके थे। वर्ज कॉइन को 1,400 सतोशी पे देख सकते हो, सिया कॉइन को 600 सतोशी पे देख सकते हो, डीजी वाइल्ड कॉइन को 22 सतोशी पे देख सकते हो, फिर यही कॉइन थे जो 1,000 1,000 सतोशी को टच करके आए, कितना ज्यादा प्रॉफिट मिला है। अगर 2017 18 की सिचुएशन दोबारा से रिपीट होती तो ये आपको देखना पड़ेगा, फोर्सिबली देख लें,
या फिर आप समझ के देख लें, टेक्निकली वाइज डिसीजन लेके देख लें। मार्केट आपके इशारों पे नहीं चलनी, मेरे इशारों पे नहीं चलनी, मार्केट का अपना एक रोल होता है, मार्केट के अपने मूव होते हैं, उसी के मुताबिक चलनी है। हमारे सेंटिमेंट्स को मार्केट नहीं देखती है, मार्केट के टोटल ओवरऑल सेंटिमेंट्स पे चलती है मार्केट। तो अगर आपको कोई बताता है कि भाई ऐसा नेगेटिविटी हो सकती है, तो आप उसको यूटिलाइज किया करें, आप उसको प्रॉफिट टर्म में लेके आया करें, ना कि उसको मिसअंडरस्टूड करके और दूसरे को आप बुरा भला कहना शुरू कर दे। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट। तो बाकी अगर आपको लगता है आपके कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुए हैं या कुछ आपको कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, वीडियो को आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो आप मुझे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दूसरी बात ये है कि कभी भी YouTube के कमेंट्स के अंदर आपको पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए अगर कहा जाए कि टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करो, ये करो, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो स्कैमर हो सकते हैं जो कि आपके फंड को स्टील कर सकते हैं। उनसे बच के रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।